कि जो पांच नेटवर्क्स गिवन है हमें, मैंने उनकी बाइनरी में उनको कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पे वन कर देता और ये सारी जीरो कर देता, तो ये सारे फिर क्या आना था आंसर 160। तो ये देखें 160 इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो सकता, बिकॉज अगर मैं यहाँ वन लगा देता हूँ तो फिर मेरा जो लाइन है वो कहाँ लगेगी, यहाँ पे, बिकॉज उसके बाद मेरी सिर्फ दो बिट सिमिलर होती हैं। लेकिन जो हमें समरी एड्रेस गिवन है वो /20 है, मीन के हमारी चार बिट सिमिलर हैं। तो चार बिट सिमिलर किस केस में होती हैं, जब हम 144 से लेके 159 तक की बाइनरी बनाते हैं, तो तब हमारी ये चार बिट सिमिलर आती हैं। प्रैक्टिस 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 अगेन। अब ये एक और एग्जांपल है कि लेफ्ट साइड पर आपको डिफरेंट सब नेटवर्क्स गिवन है, वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द बेस्ट समरी टू R2, समरी रूट बनाएं R2 की तरफ जो हम भेजेंगे वो क्या भेजेंगे। ये देखिए हम इसमें /25 है, ये 24 है, ये भी 24 है, ये भी 24 है, ये 25 है। तो मींस आपने 25 बिट्स को कंपेयर करना है, फिर आप एग्जैक्ट लाइन तक पहुंचेंगे कि आपकी बिट्स कहाँ पे सिमिलर होती हैं। अब हम क्या करने लगे हैं, हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। इसके अंदर 172.1.5, 1.4, 172.16, सॉरी 1.6, 1.7 और 1.4.128/25। अब जो पहला सबनेट है जो सबसे कम है वो कौन सा है, 6 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 4, ये 4.0 वाला है, 4.0 वाला। इसकी हम बाइनरी बना लेते हैं और हम बाइनरी बना लेते हैं 4.128 की, लेकिन उसमें फिर हमारे पास ये 7 वाली नहीं आ सकेंगी, तो हम चारों की बना लेते हैं ताकि हमें कंपैरिजन करना आसान हो जाए, हम कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले 4.0 की बना लेते हैं, बिकॉज 172.1 वो तो सबकी सिमिलर हैं, उस पहली 16 बिट्स को तो देखने की ज़रूरत नहीं है, पहली 16 बिट्स तो हमें पता चल गई हैं वो नेटवर्क्स में हैं। 4 की बाइनरी कैसे बनेगी जी, 0 0, ये 4 की बिट 1 होगी, फिर ये 0 0 0 0 और 0। 5 की कैसे बनेगी, ये 4 और ये 1 5, उसके बाद भी ये सारी 0, ठीक है। फिर हमारे पास है जी 6 6.0, 6 की कैसे बनेगी, ये जी 4, ये 2 6 और ये बाकी सब 0, ठीक हो गया। फिर हमारे पास है जी 7, ये जी 4, ये 2 6 और ये 1 7, उसके बाद ये सारी 0, ठीक हो गया। फिर हमारे पास जी है डॉट, डॉट लगा लेते हैं और एक है जी 0, ठीक हो गया, और एक है हमारे पास 4.128, यानी कि यही 4 के साथ ही लिख लेते हैं ताकि कंपैरिजन आसान हो, ये 4 डॉट ये 128 और उसके बाद ये चारों क्या हो जाएंगी, 0। अब इस केस में क्या है, ये भी सारी जीरोज हैं, ये भी सारी जीरोज हैं और ये भी सारी जीरोज हैं। अब कंपैरिजन कर रहे हैं हम, ये देखें यहाँ पे ये सारी 0 0 0 हो रही हैं, ठीक है। अगर मैं यहीं पे लाइन लगा देता हूँ लेट्स सपोज, तो ये देखें आपको ये जो 128 बिट वाली है यहाँ पर आपको फिर ये चेंज करना पड़ जाएगा। इसके अलावा आप इस ऑक्टेट में आ जाएं तो यहाँ पर अगेन चेंज, यहाँ पे अगेन चेंज, यहाँ पे फिर सिमिलर,
तो मैं अपनी लाइन कहां लगा रहा हूं, गौर से देखिएगा, मैं अपनी लाइन लगाने लगा हूं, रेड लाइन लगाते हैं, 1000 यहां नहीं लगा सकता, 00101 नहीं लगा सकता, 00101 नहीं लगा सकता। मैं अपनी लाइन कहां लगा रहा हूं, ये यहां पर, आई थिंक रॉन्ग लाइन लगा दी है, लाइन यहां लगानी चाहिए जहां पे सिमिलर है, कि जो 5 नेटवर्क्स गिवन है हमें, मैंने उनकी बाइनरी में उनको कन्वर्ट कर लिया है। ये पहले वाला है 4.128 वाला, फिर ये 4.0, उसके बाद 5.0, 6.0, 7.0। अब हम लाइन कहां पर लगाएंगे, ये देखें, अब जहां पे बिट सिमिलर हो जाएंगी वहां पे हम लाइन लगा देंगे। ये यहां पे बिट जो है वो इस लाइन के बाद जो है वो बिट्स क्या हो जाती हैं, वो सिमिलर हो जाती हैं, ठीक है। ये देखें, इसके बाद ये सारी वन्स हैं, फिर ये सारी इसी तरह 0 0 0, ये सारी बाकी जीरोज हो जाएंगी। अब इसका मतलब क्या है कि हमने अब समरी एड्रेस क्या देना है, स्लैश नोटेशन में अब हम क्या देंगे कि हमने ये 8 बिट्स, ये भी होस्ट में चली जाएंगी और ये 2 भी होस्ट में चली जाएंगी, टोटल 10 बिट्स जो हैं वो होस्ट में चली जाएंगी। तो अब हम जो समरी एड्रेस देंगे वो हम देने लगे हैं /22 का, बिकॉज 10 बिट्स हमारी होस्ट में चली गई हैं। अब देख लें पहले क्या था, पहले 2 नेटवर्क थे /25 के और 3 नेटवर्क थे /24 के। हमने रूट समराइजेशन करते हुए इन 5 सबनेट्स का एक ऐसा रूट बना लिया है, एक ऐसा सुपर नेटवर्क बना लिया है जिससे हम इन 5ों सबनेट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे। तो अब नेटवर्क एड्रेस क्या लिखेंगे, जो सबसे कम वाला है, दैट इज 172.1.4.0/22, दिस विल बी समरी रूट, और /22 को हम सबनेट मास्क में किस तरह लिखते हैं, 255.255.252.0। आगे चलते हैं। अब दीज आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर प्रैक्टिस, और आई थिंक दिस इज लास्ट एग्जाम्पल जो मैं आप करवाने लगा हूं। ये देखें, इसके अंदर 172.16.1.0, फिर 10 है, फिर 5 है, फिर 15 है, फिर 7 है, 11 है, 6 है। अब सबसे जो पहला सबनेट है वो 1.0 का है, और जो आखिरी बन रहा है वो मेरे ख्याल से 15.0 का बन रहा है, बाकी सारे 6.0, 7.0, 5.0, 11.0, 10.0, ये सारे उनके दरमियान में है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ तक का जो पोर्शन है वो तो है जी सिमिलर, यानी कि 16 बिट्स तो सिमिलर हैं ही हैं, /16 तो आएगी ही आएगी। अब गिवन क्योंकि /24 है, हमने कोशिश करनी है कि इसको समराइज किए करें और कम से कम बिट्स जो हैं वो नेटवर्क में शो करवाएं। एक्चुअली जो नेटवर्क है उसकी 24 बिट्स ही होती हैं, लेकिन हमने सिर्फ राउटर बी को सिर्फ ये इसको समराइज करके देना है ताकि उसको अपने राउटिंग टेबल के अंदर ये सारे नेटवर्क्स ना ऐड करने पड़े, बल्कि वो एक ही समरी एड्रेस ऐड करे और वो बैकएंड पर इन सब नेटवर्क्स के साथ कम्युनिकेट कर सके। तो अब हम क्या करने लगे हैं, /24 को कम करने की कोशिश करते हैं। एक नेटवर्क है जी वन का, वन की बाइनरी बना लेते हैं जी, वन, ये वन की बाइनरी होगी और इस साइड पे सारी बिट्स क्या हो जाएंगी, 0, और आखिरी वाले की जो कि 15 है उसकी बना लेते हैं। 15 कैसे बनेगी जी, 1 2 4 8 16, तो 15 के लिए
वन टू थ्री और फोर, ये बन गई जी 15। ठीक हो गया। और इसके बाद क्या है, इसके बाद सबका जीरो ही है, ये भी सारा पोर्शन जीरो है, ये भी सारा पोर्शन जीरो है। मैंने पहला और आखिरी वाला सबनेट लिख लिया है ताकि मैं आसानी के साथ जल्द अज जल्द जो है वो समरी एड्रेस फाइंड आउट कर सकूं। अब मैंने लाइन लगानी है, ये देखिए हम यहां पर ये वन वन है, सिमिलर है, तो मैं यहां पर अब लाइन नहीं लगाऊंगा बिकॉज उसके बाद फिर ये डिफरेंट हो जाती है। मैं अब जो लाइन लगाने लगा हूं वो यहां पे लगाने लगा हूं बिकॉज इस लाइन के बाद मेरे ये सारे बिट्स जो हैं वो सेम हो जाती हैं। यानी कि मैंने अब 24 में से मजीद चार बिट्स जो हैं वो कम कर दी हैं। अब मेरा समरी एड्रेस क्या बनेगा, 172.16.1.0/20। ठीक है, यानी कि सबनेट मास्क क्या बनेगा, 255.255.8.8.16 होगी और चार बिट्स और ऑन हुई, ये मुझे देंगी जी 240.0। पहले क्या था, 255.255.255.0, पहले स्लैश 24 था और अब क्या हो गया, 255.255.240.0/20 हो चुका है।